वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मल्टी टेक चौहान। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि S&B 1500 वाट RMS का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम S&B 1500 वाट का अनबॉक्सिंग करेंगे। जितने भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पहले जुड़े हुए हैं वो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम भी ग्रो कर सकें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम ये भी बताएंगे कि हमने कितना में से परचेज किया है और कहाँ से इसे परचेज किया है। अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आप वो सब चीज़ मिस कर जाइएगा, और फिर बाद में हमसे पूछेगा कि भाई क्या प्राइस है और कहाँ से परचेज किया है, तो वो सारा डिटेल आपको हम बता देंगे। बाकी इसका और सब डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है S&B का 1500 वाट RMS एम्पलीफायर, मोनो एम्पलीफायर है। ठीक है, देखिए इसे अब अनबॉक्स करके इसका सारा डिटेल आपको दिखाते हैं, इसका ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल लुक, सारा चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। फ्रेंड्स, ये है अपना S&B मोनो एम 1500 वाट RMS। चलिए आइए इसे अनबॉक्स करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि पहले से अनबॉक्स था भाई, तो पहले से अनबॉक्स ही था। एक्चुअली जब मैंने परचेज किया तो वहाँ पे मैंने ओपन करके देख लिया था क्या है नहीं है। ठीक है, देखिए इसके साथ आपको ये स्क्रू मिल जाता है, और ये आपको रिमोट वायर मिल जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, और आपको मिल जा रहा है ये नॉब, वॉल्यूम नॉब। इसे हम ओपन करके दिखाते हैं, एक सेकंड, पहले एम को बाहर निकाल लेते हैं, एक सेकंड। तो फ्रेंड्स एम अब बाहर आ गया है, एक सेकंड इसे हम सीधा कर लेते हैं, बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये देखिए सिलिका जेल वगैरह डाला हुआ है मॉइस्चर से बचाने के लिए, जिसे हम बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है S&B का एम्प। ठीक है, इसका फिनिशिंग आप देखिए, बाकी डिटेल हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, वजन अच्छा वजन है, लगभग 3-4 kg के लगभग में होगा, उतना नहीं है करेक्ट हम नहीं बता सकते, बट वजन है। यहाँ पर वारंटी दिया गया है, सीरियल नंबर है। ओके, अब आइए इसका जो है डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका नॉब हम दिखा देते हैं, नॉब वॉल्यूम का जो नॉब है फ्रेंड्स, एक सेकंड इसे आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इधर माइनस और इधर प्लस। ओके, तो इसका नॉब है यहाँ पे, ये वायर कनेक्ट होगा। ठीक है, इसे कनेक्ट कीजिए, और एक बार एम्प पे कनेक्ट होगा फिर ये यूज करने के लिए एक्टिव है। ओके, तो भाई एम्प का डिटेल जान लेते हैं। देखिए इस साइड में आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स,
दो इंडिकेटर दिया गया है, एक प्रोटेक्शन के लिए एक पावर के लिए। इसमें जैसे ही पावर सप्लाई दीजिएगा ये पावर वाला जल जाएगा, अगर ऐप में कोई खराबी आएगा ठीक है तो प्रोटेक्शन लाइट जलेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्रोटेक्शन लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे रिमोट का दिया हुआ है तो यहाँ पे ये वायर है जो कनेक्ट होगा, देखिए ये जो ठीक है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और एक साइड जो है एक साइड वॉल्यूम कंट्रोल में कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। इनपुट के लिए दो सेक्शन दिया गया है, लेफ्ट राइट, और ब्रिज इन के लिए दिया हुआ है ब्रिज इन ब्रिज आउट। एम्प को आप ब्रिज करके चला सकते हैं, दो एम्प ब्रिज हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए इसका जो फंक्शन है गेन का है, LPF है, सबसोनिक है, बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी बेस्ट बूस्ट। तो यहाँ पे देखिए LPF 40 Hz टू 180 Hz है, सबसोनिक 50 Hz तक है, बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी 30 Hz टू 80 Hz है, बेस बूस्ट 0 dB टू 12 dB है। तो भी हम नॉर्मल में यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 500 वाट RMS का सब ऑफर है, तो अभी नॉर्मल में ही यूज करेंगे। बाकी देखेंगे कुछ है अगर इसमें चेंजिंग करना होगा तो कर लेंगे, पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल में यूज करेंगे क्योंकि नॉर्मल में अभी इसे ब्रेकिंग करना है सब ऑफर को, तो नॉर्मल में ही चलाएंगे। देखिए इसका कवर दिया गया था इसके साथ में, और इसका जो है देखिए जो RCA जो है इनपुट का जो जैक है वो देख लीजिए आप। ओके, बाकी फिनिशिंग तो आप देख ही रहे हैं, फिनिशिंग एकदम A1 क्वालिटी का है ठीक है। पता नहीं 8400 वाट क्यों लिखा गया है वो मुझे भी नहीं पता है। बाकी तो ये 1500 वाट RMS है। इस साइड देखिए, इस साइड स्पीकर का आउटपुट है प्लस प्लस माइनस माइनस स्पीकर दिया गया है, और यहाँ पे पावर सप्लाई है, ग्राउंड 12 वोल्ट, ग्राउंड 12 वोल्ट, और ये रिमोट, ये कार के स्टूडियो से आएगा, वहाँ से ये इसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप घर में चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, इसे 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑन हो जाएगा ठीक है। तो फ्रेंड्स और तो कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए ठीक है, बाकी एक बार और आपको डिटेल से दिखा देते हैं, देख लीजिए। हमें तो बस इतना ही पता है इसके बारे में, और इससे ज़्यादा क्या पता है, ये सब चीज़ के बारे में बता ही दिए। जब भी आप एम्पलीफायर वगैरह लेने के लिए प्लान करेंगे तो ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी होगा, क्या है इसमें नहीं है वो तो सारा चीज़ हमने बता दिया, कितना इतना फंक्शन मिल रहा है ठीक है। बाकी इससे भी आपको दिखा ही दिया है, वेट अच्छा खासा इसका है और कुछ नहीं है, बहुत ही A1 डिजाइन का एम्पलीफायर है, डिजाइन में कोई कमी नहीं है। बाकी आप YouTube पे देख भी रहे होंगे कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब जो सबसे मेन बात है कि इसका प्राइस और हमने कहाँ से लिया है, तो इसका प्राइस हम बता देते हैं फ्रेंड्स, इसका प्राइस 7500 है, प्राइस हमने बता दिया। अब हमने इसे लिया है दिल्ली से लिया है, वो भी आपको एक वीडियो में बता दूंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, लगभग 1-2 मिनट का वीडियो रहेगा, तो उस सब का डिटेल हम बता देंगे एक छोटा सा वीडियो बना करके। हमने जहाँ से लिया है एक्चुअली से दिल्ली से ही लिया है, तो उसका हम डिटेल आपको बता देंगे फ्रेंड्स। इसके साथ जो यूजर मैनुअल आता है आपने बहुत सारे अनबॉक्सिंग में देखा होगा, मुझे भी यूजर मैनुअल मिला था, तो क्या हुआ कि वो शॉप में ही छूट गया, जहाँ मैंने इसे परचेज किया ये वहीं पे छूट गया, तो यूजर मैनुअल मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा फ्रेंड्स। बाकी इसे अगर देखना है तो दूसरे चैनल पे इसका वीडियो अपलोड है जिसमें कि आपको यूजर मैनुअल का सारा डिटेल बताया गया है। ओके, तो आप यूजर मैनुअल का डिटेल दूसरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों ठीक है। बाकी अगर इसके बारे में कोई भी क्वारीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन आपको दें। ओके, तो फ्रेंड्स और तो कुछ है ना इसमें ऐसा कुछ दिखाने के लिए ठीक है, तो सारा चीज़ तो हमने दिखा ही दिया। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक करें, अगर बुरी लगती हो तो डिसलाइक करें। डिसलाइक करें तो अपना रीजन दे दें कि भाई इस वजह से आपके वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना वीडियो का जो भी है क्वालिटी चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो भी इम्प्रूवमेंट करना होगा करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।